बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुआज़्ज़ज़ सामियीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घरेलू हालात का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल इंसानियत टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, किस्सा सुनाऊँ। शागिर्द ने कहा, ज़रूर सुनाएं। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे, और ख़ुद पानी की मशक भर कर लाती थी, जिसकी वजह से सीना पर मशक की रस्सी के निशान पड़ गए थे, और घर की झाड़ू वगैरह भी खुद ही देती थी, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कुचैले रहते थे। एक मर्तबा हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम बांधियाँ आईं। मैंने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम भी जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमत गार्ड मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल जाए। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। वहाँ मजमा था और वह शर्म मिजाज बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आई तो वापस आ गई। दूसरे दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा, कल तुम किस काम के लिए गई थी? वो शर्म की वजह से चुप हो गई। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में गट्ठे पड़ गए और मशक की वजह से सीना पर रस्सी के निशान हो गए। हर वक्त घर के काम काज की वजह से कपड़े मैले कुचैले रहते हैं। मैंने इनसे कल कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम आए हुए हैं, एक ये भी मांग लें, इसलिए गई थी। बाज रवायात में आया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के पास एक ही बिस्तरा है, वो भी मेंढे की एक खाल है। रात को इसको बिछाकर सो जाते हैं, सुबह को इस पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी, सब्र कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी के पास 10 वर्ष तक एक ही बिछौना बिस्तरा था, वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चूहा था। रात को इसको बिछाकर सो जाते थे। तू तकवा हासिल कर और अल्लाह से डर और अपने अल्लाह का फरीज़ा अदा करती रहे और घर के कारोबार को अंजाम देती रहे, और जब सोने के वास्ते लेटा कर तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया कर। ये खादिम से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हूँ।